स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। संध्या जी, बाबा साहब खाना लगा दिया है, आइए परोस देती हूँ। नहीं बेनुनी, मने भूख ना है। खाना थाली में है और आपने छुआ भी को नहीं। अब तो जेठ जी का फोन भी आ गया है कि वो जेठानी जी को जयपुर छोड़कर कल तक वापस आ जाएंगे। अब चिंता छोड़ो भाबो और थोड़ा सा जीम लो। हाँ रे भाबो, खा लेना खाना। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है भाबो? तू जो चाहती थी वही हुआ ना भाबो? तेरी नजर में भाभी से भैया के लायक ना थी, और अपनी आंखों से देखा है मैंने। रात दिन तुझे भैया की चिंता लगी रहती थी, तो अब तो चिंता दूर हो गई ना बाबू? भैया अब भाभी से आगे मोह जाल से दूर हो गए ना? सब ठीक ही तो हुआ है, तो अब तुझे किस बात की तकलीफ हो रही है बाबू? क्यों क्यों इतनी परेशान लग रही है तू? रिश्ते कोई तन पर पहने हुए कपड़े ना हुए,
जो पुरानी उतार कर नए पहन ली जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े। कांटा लगने पर जितनी तकलीफ होवे ना, उतनी निकालने पर भी होवे। विक्रम, संध्या सिर्फ सूरज की बीननी न थी, इस घर की बहू भी थी। घर में इतनी बखत तक कोई सामान भी पड़ा रहे ना, तो उसे उठाकर ले जाने में भी उतना ही अफसोस हुआ। और यहां यहां तो इस घर से एक इंसान गया है। समझा तुझे कि तूने ये किया क्यों? क्यों तूने संध्या बिंदनी को इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया? संध्या जी, ये आप अपने पास रख लीजिए। भाई साहब जरा मुझे आपका ये फोन मिल सकता है? एक फोन करना है। वो मेरी पत्नी के। शुक्रिया।
नींद को नहीं आई क्या आपने? एक बात बताओ मुझे, आप तो बीनमी के बड़े हिमायती बने फिरते थे ना, भले घर के सारे लोग बीनमी के खिलाफ रहते थे, पर आप तो बीनमी का सहारा बनकर हमेशा उसके साथ साथ खड़े रहते थे। और आज जब बीनमी ने घर से निकाला जा रहा था, तब आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों ना निकला? क्यों नहीं रोका आपने सूरज को? मैं बोलू हूं, चुप कैसे रह गए आप? मारा राम जी, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? कम से कम आपके मन की बात तो पता चले। देखो जी, मारू जी घबरा रही हूं, कुछ बोलोगा? कुछ बोलो ना। के बोलू संतोष? और तभी के बोलता? तू खुश है ना? थारी तो दुश्मन थी ना वो, घर में जो भी गलती होती उसकी सारी जिम्मेदारी तो उसी की थी ना। वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। अब तू खुश, थारो सूरज खुश, सारो परिवार खुश, यही तो तू चाहती थी। अब जा, देसी घी के लड्डू बांट, परेशान क्यों हो रही है? खुश रहे। सूरज का बाबूसा ने झूठ ना बोले, सही कहा। मैं चाहती थी कि वो घर से चली जाए, पर आज जब वो घर से चली गई, तुम्हारी आत्मा ने संतोष क्यों नहीं मिल रहा? मन ही मन में डर क्यों लग रहा है? भीतर ही भीतर बेचैनी से क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है? भाई साहब हमारा फोन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।